जानते हैं और बचाना भी जानते हैं, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगे तब वैक्सीन बनाना भी जानते हैं। हम गुलामी के अंधेरों में आजादी के उजाले हैं, गौर से देखो हमें, हम इंडिया वाले। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुस्कान कटोच मुस्कुराते हुए स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो गेड़ीबाज में, और आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा पूरा एपिसोड है वो गणतंत्र दिवस पर ही है। देखते हैं कि लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में क्या क्या पता है, पता भी है कि नहीं, तो फिर पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं। ऑडियो जस्ट का प्रेजेंट्स गेड़ी बाज। सर, 26 जनवरी पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देश के लिए। 26 जनवरी हम मनाते हैं, उस दिन हम स्वतंत्र हुए हैं जी। तो सर 15 अगस्त को क्या हुए थे? 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। सर 26 जनवरी को? 26 जनवरी को वही ना, भारत जो है स्थापना दिवस हुआ, मनाया है हम लोगों ने। अरे कहना क्या चाहते हो? विधानसभा लागू हुआ, विधान जो है हमारा चालू लागू हुआ। अच्छा मैम, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संविधान का निर्माण करके संविधान लागू किया था। हमारा देश गुलाम हुआ था, तू क्या बोल रही है? अक्कल है, संविधान लागू हुआ था। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹਮ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 26 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ तब से हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तब संविधान लागू किया गया था। तो सर ये जो संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी कौन से सन में हुआ था? पूरा मेरे को डेट याद नहीं है, मगर क्यों 1950 में हुआ था ये। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 1950 26 जनवरी 1950 गिफ्ट वगैरह भी दोगे कि नहीं? नहीं, सारे आंसर ठीक देने पे हैं, तो कोई गिफ्ट वगैरह भी दोगे कि? तो सर आपको मिलता है तवा प्रात की ओर से ये गिफ्ट वाउचर। दिलो दिमाग में ईमान और देश के लिए सम्मान जिंदा है, दिलो दिमाग में ईमान और देश के लिए सम्मान जिंदा है, हमारे शहीदों की बदौलत ही हमारा हिंदुस्तान जिंदा है, हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। हमारा देश आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में हमारा देश सही मायनों में लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। और सर 26 जनवरी को जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो कौन करता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री करते हैं? मोदी जी। मोदी करते हैं, राष्ट्रपति हमारे, राष्ट्रपति हमारे, प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री करते सर, प्रधानमंत्री करते पक्का? मैनेजमेंट डराई जाने का क्या क्या कहना, तो भी मैंने जड़ी माड़ी मोटी गाल निकलती वो भी मैंने डरा देने। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होना ये अपना सेम, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अगर आपने अब तक हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी जाओ और वो भी देखना इस एपिसोड के बाद। तो चलते हूँ, पहले मैं पूछती हूँ कि यार हमारे देश का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? चलो पूछते हैं, नेशनल सॉन्ग कौन सा इंडिया का? जन गण मन अधिनायक जय। सीधे हो गए, खड़े हो गए, बोलते हैं ना जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन। सर पक्का? सर वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम तो हमारा नारा था, एक नारा था, एक नारा था, एक नारा था। वंदे मातरम जो हमारे स्कूल में प्रेयर होती है सरकारी स्कूल में। जनगण मन, जनगण मन, पक्का? यस, कॉन्फिडेंस। वंदे मातरम तुक्का लग गया फिर। हाँ, जनगण मन अध्याय, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा। अच्छा आप बता दो सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम जी सर, थैंक यू। तो और सर रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी तो वो यही कहते हैं, आम जनता जड़ी, आम पब्लिक की बोले,
गणतंत्र दिवस। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे ऑडियो चस्का के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे शो गेड़ी बास का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में। गेड़ी बास।